फर्क है। हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी है, यानी नबी आम है, रसूल खास है। नबी को जब किसी खास कौम की तरफ मुअय्यन तौर पर भेज दिया जाता है तब वो रसूल हो जाता है। उससे पहले उसकी हैसियत एक वलीउल्लाह की है, बहुत आला दर्जे का अल्लाह का दोस्त और वली जिस पर वही आ रही है। आम वलीउल्लाह में और नबी में फर्क यह है, उन पर वही आती है, उन पर वही नहीं आती। लेकिन इस नबी को अगर अब आप भेज देंगे कि जाओ इज़ बिला फिरौन, अब वो रसूल हो गए, जाओ अब मदियन की तरफ, इला मदियन अखाहुम शुएबा, अब रसूल हो गए। तो ये फर्क है नबी और रसूल का। और एक बात ये नोट कर लीजिए, नबियों को कत्ल भी किया गया है, रसूल कत्ल नहीं हो सकते। अल्लाह का फैसला ये है कि लाग़लबन्न अना व रुसुली, मैं और मेरे रसूल तो गालिब आकर रहेंगे। जब भी किसी कौम ने किसी रसूल की जान लेने की कोशिश की है, उस कौम को बर्बाद कर दिया गया और रसूल और उसके साथियों को बचा लिया गया। यह मामला हुआ है अल्लाह का तमाम रसूलों के साथ, नबियों के साथ नहीं। हजरत याहिया नबी थे, कत्ल कर दिए गए। हजरत ईसा रसूल थे, कत्ल नहीं किए जा सकते थे, उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। अब वही दोबारा आएंगे, तो रसूल जो है वो कत्ल नहीं होता। और इसी एतबार से हुजूर की बड़ी गहरी तमन्ना थी, सुम्मा उक्तला, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर अल्लाह की राह में फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। लेकिन अल्लाह ने यह ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं की, इसलिए कि आप अल्लाह के रसूल थे।